दो गलवा मारा था ये माई करके गाना है। घोड़ा चलाते हैं क्या? गाना है जादू जी पटक चुम्मा ले 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 गाल में। और मंदिर के आगे जो ग्रीन कलर का घर दिख रहा है वही प्रेमी यादव भैया के भाई हैं ये भाई। भैया आप अपना बताइए कुछ। 11 बजे यहाँ से पटना चले गए हैं तो यहाँ पर कैसे आना है मैं आपको। ये क्या है अंकल जी? उसी मंदिर के बगल में हरा कलर का जो घर है वही प्रमोद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ बिहार के आरा शहर के कल्याणपुर गांव में। और यहां पर मैं आया हूं भोजपुरी के बहुत ही फेमस सिंगर, बहुत ही फेमस गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के घर, जो कि बिहार के आरा शहर के कल्याणपुर गांव में है। तो इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, अभी मैं आपको चलकर दिखलाता हूं कि प्रमोद प्रेमी यादव जी का घर कहां पे है और कैसा है। और ये घर जो है इनका मतलब रियल वाला घर है, गाँव का घर है जो कि कल्याणपुर गाँव में है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहीं से भी आते हैं तो कल्याणपुर कैसे आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आते हैं तो सबसे पहले आपको आरा स्टेशन पे आना है, आरा जंक्शन पे आना है। और यहाँ से फिर ऑटो लेकर आना है गांगी, और गांगी से फिर ऑटो से जाना है आपको कल्याणपुर। और सब ऑटो से है, नहीं तो बाइक से आ सकते हो, अदरवाइज ऑटो से आपको आना है। सब होके हुनर मेहरारू चाहे सुनर गाना हो गया, और भी बहुत सारा गाना है जादू जी पटक चुम्मा ले 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 गाल में, तो बहुत सारा फेमस गाना है। और ये जो रास्ता है आगे जो हमारे पीछे देख रहे हैं ना, यही रास्ता पावर स्टार पवन सिंह के घर पे भी जाता है, जो कि उनका गांव वाला घर है जोकहरी। तो यही रास्ता से जो है आगे जाइएगा तो आप जोकहरी भी जा सकते हैं। और हमें जाना है इस रास्ते में, एक बार हाय कर दीजिए सब लोग। तो सब लोग ये आया है ग्रुप हमारा, ये लोग सभी लोग आरा का ही लोकल है तो सब आज हमको आए हैं सपोर्ट करने के लिए। और ये रास्ता है और इसी रास्ते से अभी हम जाएँगे और हरी भाई जो है डायरेक्शन करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी मैं आपको चल कर दिखलाता हूँ आपके चहेते सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव जी का घर। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी प्रमोद प्रेमी यादव जी के घर के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और पीछे रास्ता है देख सकते हैं। और यहाँ से रास्ते से उतर के अभी हमें जाना है। और ये पीछे वहाँ पर आपको दिख रहा होगा हरा कलर का घर दिख रहा होगा, तो वही वाला घर है। ये लोग बाइक से जा रहे हैं, हम कहेंगे हम पैदल आते हैं। एक पुल है और सामने एक मंदिर दिख रहा होगा, और उसी मंदिर के बगल में हरा कलर का जो घर है वही प्रमोद प्रेमी यादव जी का घर है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यही मंदिर है, और मंदिर के आगे जो ग्रीन कलर का घर दिख रहा है वही घर है। मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं अब यहाँ से 2 मिनट। चलिए सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बिहार के आरा शहर के कल्याणपुर गाँव में। और हमारे पीछे जो घर आप देख रहे हैं यही आपके चहेते भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर मतलब गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी का घर है, जो कि बिहार के आरा शहर के कल्याणपुर गांव में। और ये घर आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर कैसे आना है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आरा रेलवे स्टेशन आना है, आरा जंक्शन आना है। अगर बाइक से आते हैं तो आप सीधे यहाँ तक आ सकते हैं, अदरवाइज आपको आरा से स्टेशन से गांगी आना है, और गांगी से फिर ऑटो लेकर आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के लिए ऑटो का है। और ये कुछ इस तरह का घर है भैया का, देख सकते हैं यही मतलब कि घर है। और साथ में अभी यहाँ पर उनके बड़े पापा हैं और एक पीछे में भाई हैं। आप कौन है भैया, आप अपना बताइए कुछ। भाई लहंगा, ये अभी आ जाइए। एक पीछे हैं वहाँ पर भाई लहंगे, और ये कुछ इस तरह का घर है। आइए आइए अजी, ये हैं जो कि प्रमोद प्रेमी यादव भैया के भाई हैं, ये भाई हैं। और आइए अभी मैं आपको दिखलाता हूँ पास से घर, कुछ इस तरह का है भैया का घर। गाय माता भी हैं और भैंस भी है, सब कुछ है। और ये बच्चा लोग यहाँ पर खेल रहा है अभी, और शाम का 4 बज रहा है, आने में काफ़ी लेट हो गया है। तो आइए अभी मैं, उधर में घोड़ा है, अच्छा उधर में घोड़ा भी है, अच्छा थोड़ा सा आपसे बात करेंगे एकदम। तो अभी यहाँ पर आइए थोड़ा सा आप लोग, चूँकि यहाँ हैं भैया तो है नहीं अभी यहाँ, तो अंकल से पता चला कि मतलब भैया जो है प्रमोद प्रेमी यादव जी सुबह में मतलब यहीं पर थे, 11 बजे यहाँ से पटना चले गए हैं। और आइए अभी मैं आपको मैं मिलवाता हूँ प्रमोद प्रेमी यादव जी के बड़े पापा हैं। कैसा लगता है आपका लड़का, आपका बेटा आज इतना बड़ा मतलब बुलंदियों पर इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा गाना गा रहा है? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और यही मतलब वो घर है जहाँ से वो मतलब निकले हैं, यहीं से वो खेल कर कूद कर बड़े होकर यहीं से निकले हैं। अच्छा ये बताइए कि कब से मतलब वो भोजपुरी गाना स्टार्ट किए, सिंगिंग कब से स्टार्ट किए? अरे वो तो इतना ही छोटा था,
छोटा ही से मतलब बचपन से ही मतलब शौक रहा है। सब हो के हुनर मेहरारू चाहे सुनर बहुत ही फेमस गाना है। और एक और अभी गाना मैंने सुना था दो गलवा मारा था ये माई करके गाना है। तो एक मेरा दोस्त हमको ये गाना सुनाया था कि प्रमोद प्रेमी का ये गाना सुने हो तो सुने थे। बहुत फनी गाना इनका ये गाना है कि बहुत ही मतलब भैया खाटी देहाती वाला स्टाइल में गाते हैं और जो भी गाते हैं एकदम जैसे लगता है कि प्योर माटी का सॉन्ग होता है। यही इनका गाना का खासियत रहा। गाँव के जस्ट बगल में पवन सिंह का भी घर है, जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ से जोकहरी गाँव है जहाँ पर पावर स्टार आपके चहेते पवन सिंह का जो है असली वाला घर मतलब गाँव वाला घर यहीं पर। तो दोनों भोजपुरी के जो ये फेमस सिंगर हैं इतने बड़े स्टार हैं पवन सिंह और प्रमोद प्रेमी यादव, ये आरा जिला के इसी गांव से यहीं से निकले हुए हैं। तो चलिए अभी और भी कुछ मैं आपको चीज़ें दिखलाता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पर भैया का घोड़ा है बगल में। भाई अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि इनका घोड़ा भैया रखे हुए कैसा घोड़ा। अच्छा ये घोड़ा, घोड़ा चलाते हैं क्या भैया? चलाते हैं घोड़ा सिर्फ रखे हुए शौक के लिए। अच्छा ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है घोड़ा है भैया का और बगल में घोड़ा है, घोड़ा के जस्ट बगल में गाय माता भैंस महाराज सब यहाँ पर है। और गांव में आए हुए हैं तो गांव वाला एकदम माहौल है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का है पीछे में। ये क्या है अंकल जी? अरे उसी में ये लोग रहता है घोड़ा के लिए, अस्तंबल जिसको बोलते हैं वो मतलब घोड़ा के रहने के लिए बनाया गया है। और ये कुछ इस तरह का है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा इत्तेफाक कहेंगे या जो भी कहिए कि मतलब कोशिश तो यही रहता है कि जहाँ भी जाएं तो आपको मिलवाएं, लेकिन थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अगले वीडियो में प्रमोद प्रेमी यादव जी से भी आपको मिलवाएंगे। और इस बार नहीं मिला पे उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये देख सकते पापा नहीं है क्या? कलकत्ता गए हुए हैं। अरे इधर में प्रोग्राम होता है ना? हाँ हाँ तो यहीं आते हैं, यहीं पे आते हैं गाँव में ही मतलब आके रहते हैं। आरा वाले मकान पे? आरा वाला मकान में बहुत कम रहते हैं। अच्छा बहुत कम रहते हैं मतलब यहीं पे ज़्यादा रहते हैं? ओह तो मतलब मतलब मिलना होगा तो फिर यहीं पे आना पड़ेगा। नहीं तब तो दोबारा आना संभव भी नहीं है। तो आरा भी मिलेंगे? हाँ वहाँ अनाइट वाला जो मकान है ना वहाँ पे जीरो माइल पे। हाँ चलिए। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही घर है, एक बार मैं आपको बैक कैमरा से दिखला रहा हूँ। यही घर है सामने में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बच्चा लोग खेल रहा है